सागर पवार फिटनेस में मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेन वेट। तो मैं आज बताना चाहता हूँ अपने बिगिनर्स भाइयों को, जिन लोगों ने अभी रिसेंटली जिम ज्वाइन किया है या आपको 1 से 2 से 3 मंथ हो चुके हैं और आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे में आप क्या कीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा यही आ रहा होगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, डीएम कीजिए, जो भी आपके क्वेश्चन है मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे। वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेन वेट इन 10 डेज। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप 10 दिन के अंदर कैसे अपना वेट बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर कोई मास गेनर यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप मास गेनर यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आपका बजट कम है, तो आप ऐसे में क्या यूज़ करें जिससे आपका वेट बढ़े। तो ऐसे में मैंने अपने पास्ट में क्या यूज़ किया था जिससे मैंने अपना 7 से 8 kg वेट गेन किया है, आप भी अपना 7 से 8 kg वेट गेन कर सकते हैं ईजिली। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गेनिंग बहुत ही सिंपल होती है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं चलिए बताता हूँ आपको मैंने क्या यूज़ किया था। मैंने लॉकडाउन के समय वेट गेन करने के लिए बनाना शेक यूज़ किया था। बनाना शेक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गेनिंग के समय। अगर आप गेनिंग कर रहे हो तो आपको अपनी डेली डाइट में 2 से 3 बनाना शेक ज़रूर ऐड करने पड़ेंगे। अगर आप 3 बनाना शेक दिन में ऐड नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप शुरुआत 1 या 2 से करिए। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मिनिमम 2 बनाना शेक दिन के पीजिए, एक मॉर्निंग के समय और एक इवनिंग वर्कआउट के बाद अपना। अगर आप और गेनिंग के समय सबसे इम्पोर्टेंट, आप मेरे हिसाब से इवनिंग में ही वर्कआउट कीजिए, जिससे आपको इवनिंग के बाद अपना डाइट लेने के बाद टाइम मिले रेस्ट करने का, जिससे आपकी गेनिंग अच्छी होगी। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आपको बनाना शेक कैसे लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ कि आपको शेक में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है और कितनी क्वान्टिटी में यूज़ करनी है और क्या चीज़ किस लिए होती है। तो यहाँ मैंने लिया है 250 ml मिल्क, जो कि बहुत अच्छा सोर्स है फैट का, सोडियम पोटेशियम और भी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बनाने शेक में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मिल्क। तो आप मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, मैंने यहाँ 250 ml लिया है, आप 300 तक भी ले जा सकते हैं। फिर आपको लेना है ओट्स, ओट्स की क्वांटिटी मैंने यहाँ 50 से 60 ग्राम ली है, आप ओट्स की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। ओट्स आपको इसलिए यूज़ करने क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब का, जो आपको गेनिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आप ओट्स की जगह कुछ और यूज़ मत कीजिए, वरना आप ओट्स की जगह ब्राउन ब्रेड यूज़ करें, वो आपको इतना खास रिजल्ट नहीं देगी, आपको ओट्स ही यूज़ करने हैं। फिर मैंने लिया है पीनट बटर। पीनट बटर गेनिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये हेल्दी फैट होता है जिससे आपकी गेनिंग बहुत अच्छी होती है। तो आपको पीनट बटर तो जरूर यूज़ करना है, आप यहाँ इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो। मैंने यहाँ 1 tablespoon लिया है, आप 2 tablespoon भी पीनट बटर कर सकते हो। तो यहाँ मैंने फिर 2 बनाना लिए हैं, आप यहाँ 4 भी कर सकते हो क्योंकि मुझे इतनी हार्ड गेनिंग नहीं करनी है। आपको अगर गेनिंग ज़्यादा करनी है तो आप बनाना की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो, बनाना बहुत अच्छा सोर्स होता है फैट्स का, कार्ब्स का। फिर मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, बादाम मैंने यूज़ किया है, आपको कम से कम 15 बादाम आपको बनाना शेक में यूज़ करना है, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है हेल्दी फैट्स का। बता देता हूँ कि ये जितनी चीज़ें मैंने यूज़ की है इसमें हाई क्वांटिटी में कार्ब्स और फैट है। अगर आपका बजट कम है तो आप ये यूज़ ज़रूर कीजिए। अगर आप गेनर यूज़ नहीं कर सकते हो तो आपको ये चीज़ें तो लेनी ही पड़ेंगी, इन चीज़ों से भी आपकी अच्छी गेनिंग हो सकती है। मैंने भी इन चीज़ों से लॉकडाउन में बहुत अच्छी 5 से 10 किलो की वेन गेट किया था। तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको इन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, और मैं आगे बता दूँ कि ये टैबलेट आपको कैसे यूज़ करनी है और इसका क्या रिजल्ट है, ये टैबलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और शेक बनाते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll
तो शेक रेडी है, तो आप देख सकते हैं आपको इस तरह से सारी चीजें मिक्स करके शेक बनाना है। आपको ये शेक दिन में 2 बार पीना है, आप 3 बार भी पी सकते हो। आप दिन में 2 बार पीजिए, एक मॉर्निंग के टाइम और एक वर्कआउट के बाद, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे और आपकी गेनिंग अच्छी होगी और आपका वेट भी फास्ट बढ़ेगा। इसके साथ आपको ये टेबलेट यूज करनी है, हिमालय ले 52DS टेबलेट्स होती है, ये बेसिकली लीवर के लिए होती है और आप जितना भी डेली का खाते हो वो आपका सब डाइजेस्ट करती है और लीवर को सेफ रखती है। तो आप ये शेक पियोगे तो इसके साथ आपको ये जरूर एक टैबलेट लेनी है। तो आप ये टैबलेट दोनों शेक में, किसी भी एक शेक में ऐड कर सकते हो, या मॉर्निंग में शेक में ऐड कर सकते हो, या इवनिंग के शेक में ऐड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं।